नमस्ते जी। नमस्कार सर, हाँ बताइए। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर याद करते हैं तो वह हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है, लेकिन जब हम स्कूल में लिखना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सर, कृपया करके यह बताइए कि ऐसा क्यों होता है। थैंक यू अच्छा, सर। आपका शुभ नाम क्या? सुहान सहगल, अच्छा सहगल जी, आप पढ़ते कहाँ हैं? एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, ये सवाल पहले किसी को पूछा है? नहीं सर। नहीं पूछा। मम्मी पापा को पूछा? नहीं सर। टीचर को पूछा? नहीं सर। लो बड़े कमाल के हो यार, मैं ही मिला गया तुम्हें। लेकिन आपका सवाल मैं समझता हूँ ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में ही रहता है। जब मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ता था ना, तो ये बात तो मन में रहती थी कि यार पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। देखिए, परीक्षा हॉल में जाते समय आपको अपने मन को बिल्कुल शांत करके जाना चाहिए। मैं अभी टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा हूँ, इतना शांत आपका चेहरा है, इतने विश्वास के साथ आप बैठे हैं, मुस्कुराते भी हैं। ये जो अवस्था है ना, एग्जामिनेशन में जाए ना तब भी ऐसा ही रहिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, आप घबराए हुए रहेंगे, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी तैयारी आपको करनी थी आपने कर ली है, अब आपका फोकस प्रश्नों के अच्छे से उत्तर देने में होना चाहिए। आप इस बात से भी नहीं घबराइए कि कुछ नया आ गया तो क्या होगा, कुछ ऐसा आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या होगा। और मैं सभी को कहूंगा, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए बिना टेंशन लिए परीक्षा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे उपाय आपको एग्जाम वॉरियर बुक में दिए गए हैं। और अभी भी एग्जाम वॉरियर बुक को एक मैंने नया एडिशन, इस मुझे कोरोना में थोड़ा समय मिल गया तो मैंने इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी किया है, कुछ एडिशन भी किया है। इस बार इसमें बच्चों के लिए ही मंत्र नहीं है, बल्कि मैंने पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है। कई सारी एक्टिविटीज नमो ऐप पर भी दी हुई है, आप इसमें पार्टिसिपेंट करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मन में से निकल जाएगा और आपको पक्का फायदा होगा। और आपके साथियों, और मैं ही आपसे चाहूँगा कि आपको जब भी फायदा हो तो मुझे लिख करके दीजिए, एग्जाम वॉरियर पढ़ करके मुझे चिट्ठी लिखिए। लिखोगे ना? जी सर। वाह, शाबाश। थैंक यू सर।